दोस्तों आप यहां पे अर्निंग देख सकते हैं $140। और ये हम कैसे करेंगे? ये हम करेंगे अमेज़न से। जी हां, बहुत आसान सा तरीका है जो मैं पूरा बताने वाला हूं, एक एक स्टेप आपको समझाऊंगा, सिखाऊंगा। बट आपका काम क्या है, आपको पूरा स्टेप देखना है, फॉलो करना है और इंप्लीमेंट करना है। घर बैठे इनकम जनरेट कर सकते हैं, चाहे वो हाउसवाइफ हो, प्रोफेशनल हो, स्टूडेंट हो, बिगनर हो, कोई भी कर सकता है। तो मिस ना करें, वीडियो को पूरे अंत तक देखें और मनी अर्न करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज विजय और आप देख रहे हैं आपका चैनल सिम सॉल्व्स लर्न बिफोर इंप्लीमेंट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमें जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूले। तो चलिए हम समझते हैं आज का हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। तो चलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आपको काम करना है। दोस्तों चलिए अब हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो आज हम सीखेंगे कैसे KDP, जी हां, किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग, ठीक है, पब्लिशिंग। ये किसका पार्ट है? ये अमेज़न का पार्ट है, अमेज़न किंडल, ठीक है। हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे स्टोरी बुक। जी हां, बच्चों के स्टोरी बुक हम इसमें लिखेंगे, स्टोरी बुक किड्स के, और इसको हम सेल करेंगे। आप जब स्टोरी बुक KDP पे डालते हैं, वहां पे आप कीवर्ड्स डालते हैं, वो ऑटोमेटिक सेल होगा, वहां से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है। बट अब आप कहेंगे कि सर स्टोरी हम कैसे लिखेंगे, तो इसका हम क्या यूज करेंगे स्टोरी बुक लिखने के लिए? हम यूज करेंगे ChatGPT बहुत आसानी से। और इसके साथ साथ हम क्या यूज करेंगे? Leonardo.ai, ठीक है। ये किस चीज के लिए यूज करेंगे? हम इमेजेस के लिए यूज करेंगे, ताकि जो बच्चों के बुक है वो बहुत इंटरैक्टिव है, बहुत अपीलिंग लगे और वो लोग उसको परचेस करें और आपको कमीशन मिले। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ये आज हम सीखने वाले हैं और कैसे करेंगे, चलिए वो मैं आपको पूरा बताता हूं। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? तो हमें सबसे पहले चाहिए स्टोरी। तो चलिए मैं आपको बताता हूं स्टोरी कैसे लिखना है, प्रॉम्प्ट पे क्या लिखेंगे। ये मेरा इमेजिनेशन है स्टोरी लिखने का, आपका इमेजिनेशन कुछ भी हो सकता है, आप जो भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, उस हिसाब से प्रॉम्प्ट पे लिखेंगे, आपकी स्टोरी तैयार हो जाएगी। चलिए मैं फिर से आपको दिखाता हूं कैसे स्टोरी लिखना है। आप ChatGPT पे चले जाएंगे, बहुत बार मैंने बताया है कैसे आपको ChatGPT पे जाना है, साइनअप करना है और इस लिंक पे आपको पहुंच जाना है। यहां पे देखिए ये ChatGPT ओपन है, फिर से मैं ओपन कर लेता हूं। अगर आपको खोलना नहीं आ रहा है तो आप जाएंगे चैट, आप सर्च करेंगे ChatGPT, यहां पे ये देखिए आपको मिल जाएगा openai.com। यहां से आप क्लिक करेंगे ट्राई, या देख रहे हैं आप ट्राई ChatGPT, ठीक है। यहां पे अगर आपने साइनअप नहीं किया तो आप साइनअप कर लेंगे और यहां पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब यहां पे देखिए मैंने जो प्रॉम्प्ट पे लिखा था, चलिए मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। यहां पे मैं लिख रहा हूं राइट अ 10 चैप्टर चिल्ड्रन स्टोरी, ठीक है, राइट अ 10 चैप्टर चिल्ड्रन स्टोरी विथ टाइगर एंड लायन टूगेदर इन फॉरेस्ट, सेविंग अ लिटिल बॉय फ्रॉम अदर प्रीडेटर्स एंड कीपिंग हिम सेफ लाइक अ फैमिली विथ सम ह्यूमर एंड फन, ठीक है। ये मेरा प्रॉम्प्ट है और इससे मैं स्टोरी लिखूंगा। चलिए देखते हैं क्या स्टोरी तैयार होता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं द मिस्टीरियस फॉरेस्ट, यहां पे स्टोरी तैयार हो चुका है, ठीक है, ये स्टोरी तैयार कर रहा है। तो हमारा स्टोरी हमारे पास आने वाला है। इस स्टोरी में अगर आप थोड़ा बहुत चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, अगर नहीं भी करना चाहें तो हर बार ये एक नया तरह का स्टोरी देगा, तो आपका स्टोरी जो है बिल्कुल यूनिक ही होगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं Chapter 4-5 करके यहां पे Chapter 10 तक आ जाएगा, जिसमें कि पूरा अच्छा सा स्टोरी आपको मिल जाता है, ठीक है। अब आपके पास स्टोरी आ गया है, अब आपके पास क्या चाहिए? आपको चाहिए एक इमेज स्टोरी के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हम कहां जाएंगे? उसके लिए हम जाएंगे Leonardo.ai पे, जो मैंने पहले बताया था आपको। यहां पे आप देख सकते हैं Chapter 10, मतलब कि यहां पे पूरा स्टोरी आपका तैयार हो चुका है, ठीक है। अब आपके पास स्टोरी आ चुका है, अब इसके लिए हमें इमेजेस तैयार करना है, ठीक है। तो आप 10 इमेज तैयार कर सकते हैं, 10 चैप्टर है स्टोरी में, तो आप थोड़ा पढ़ेंगे स्टोरी को और उसके हिसाब से आप इमेजेस तैयार कर लेंगे, ठीक है। चलिए मैं इमेज भी तैयार करके बता दूंगा आपको कैसे करना है। बट उससे पहले हम क्या करेंगे, हम जानेंगे अपने 3 आवर, 3 घंटे का हमारा वर्कशॉप है 2D एनिमेशन का, आप यहां पर देख सकते हैं।
अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो आप इसके लिए जाएं, ये 3 घंटे में आपकी स्किल्स को अपग्रेड करके आपको 2D एनिमेशन सिखा देगा। 2D एनिमेशन कोर्स जिसमें कि आप 3 घंटे लाइव वर्कशॉप में जुड़ेंगे, जो कि कब है, 23 तारीख को है, शाम के 4 बजे। यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं, और यहाँ पे आप सीखेंगे 2D एनिमेशन में मोरल स्टोरीज बनाना, राइम्स बनाना। आप एक बार सीख जाते तो आप कुछ भी बना सकते हैं, ये आपके इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है। आप सर्विस दे सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप रिव्यू वीडियोस बना सकते हैं, आप यूट्यूब चैनल से अर्न कर सकते हैं, आप फेसबुक पेज से अर्न कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए कोई भी टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप हाउसवाइफ हैं, प्रोफेशनल हैं, स्टूडेंट, बिगनर, कोई भी हैं, कोई कर सकता है। इसमें दिमाग नहीं लगाना है, आपको जो बताया जा रहा है उसको सीखें, कैसे स्टोरी लेनी है, कैसे वॉइस ओवर करना है, कैसे एनिमेशन करना है, कैसे यूट्यूब चैनल बनाना है, कैसे डालना है, कैसे थंबनेल टाइटल, सब कुछ बताया जाएगा 3 घंटे में। इनरोल करें, घर बैठे अर्निंग स्टार्ट करें। किस तरह का आप यहाँ पे वीडियोस बना पाएंगे, आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कितने प्रोफेशनल क्वालिटी का आप वीडियो बना सकते हैं। आपको टेस्टिमोनियल दिख जाएंगे, हमारे स्टूडेंट्स ने जो वीडियोस बनाए हैं, जो चैनल्स बनाए हैं, उसका लिंक यहाँ पे नीचे भी दिया हुआ है, वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। वॉच लाइव यूट्यूब चैनल्स मेड बाई आवर स्टूडेंट्स, ठीक है? तो आप यहाँ पे जरूर आएँ। ये जो लिंक है, ये लिंक मैंने आपको बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उसको डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करें और इनरोल करें। ये जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं फिर से बता देता हूँ, 23 मई को 4 बजे है, इनरोल करें। और दूसरी चीज़, अगर आप लाइव मिस कर जाते हैं, अगर आप जॉब पे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, इसका रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाता है, आप बाद में भी देख सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके इस पर काम करना स्टार्ट करें। तो चलिए, अब हमारे पास स्टोरी आ चुकी है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके लिए इमेजेस तैयार करना है। तो चलिए हम इमेज तैयार करते हैं और उसके बाद स्टोरी को बनाते हैं, और उसके बाद फिर कहां पे डालना है वो सारा सीखते हैं। तो अब मैं आ जाता हूं, सबसे पहला हम इसका जो फ्रंट पेज होना चाहिए बुक का, उसका हम इमेज तैयार करेंगे। तो हमारा जो स्टोरी है वो है लायन एंड टाइगर सेविंग लिटिल बॉय, ठीक है? तो उसके लिए मैंने प्रॉम्प्ट तैयार कर रखा है, आप यहां पे देख सकते हैं, अ ब्लेंड ऑफ कॉमिक बुक आर्ट एंड लीनियर फुल ऑफ नेचुरल कलर, अ वाइल्ड टाइगर एंड डेंजरस लायन इन द जंगल फाइटिंग अ स्नेक एंड डायनासोर एंड फॉक्स वाइल्ड सेविंग अ स्मॉल वाइट कलर बेबी बॉय, द बेस्ट क्वालिटी मास्टरपीस हाई रेजोल्यूशन एक्रिलिक पेंटिंग। चलिए अब ये हमारा कवर पेज तैयार हो जाएगा, तो हम जाएंगे leonardo.ai, आप यहाँ पे देख सकते हैं leonardo.ai, यहाँ पे आप आएंगे, बहुत आसानी से मैंने पहले बताया है, leonardo.ai पे जाएं, वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लें और फिर सर्च करें app.leonardo.ai, आप इस प्रॉम्प्ट पे पहुँच जाएंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे AI जनरेशन करेंगे और यहाँ पे अपना ये डाल देंगे और जनरेट कर लेंगे, ठीक है? चलिए यहाँ पे आपका इमेज जनरेट हो जाएगा, 2 इमेज यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर रखा है, तो 2 इमेज देखते हैं कैसा जनरेट होता है, लेट्स सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह का इमेज इसने जनरेट कर दिया है, बहुत ही बढ़िया जो लग रहा है कॉमिक स्टाइल में, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको आप एक्सपैंड करना चाहें तो एक्सपैंड कर सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं रिमूव बैकग्राउंड HD स्मूथ अपस्केलर, ठीक है? तो आप स्केल करना चाहें तो आप स्केल कर सकते हैं, 5 टोकन देता है ये, और यहाँ से आप इस अपस्केल कर देंगे इसको। चलिए मैं इसको अपस्केल कर देता हूँ, ये देखिए, उसी तरह आपको सारा अपना जो 10 पेज में अगर आप 10 डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, ठीक है? अ कनिंग फॉक्स प्लान, ए कनिंग फॉक्स, ठीक है? चलिए मैं इसको डाल देता हूँ, यहाँ से मैं सिर्फ 2 इमेज ही क्रिएट करूँगा, ठीक है? चलिए यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कनिंग फॉक्स, मेरा दूसरा कौन सा है, द ग्रेट चेज, चलिए इसमें मैं देख लेता हूँ, मंकी है तो मंकीज डाल देता हूँ, मंकीज, चलिए कनिंग फॉक्स में देखते हैं क्या क्रिएट किया इसने, ये देखिए कनिंग फॉक्स आ चुका है, मंकीज फाइटिंग विथ टाइगर, ठीक है? चलिए ये मैं कर देता हूँ, फिर हमारा नीचे है स्क्यूरल, स्क्यूरल टू द रेस्क्यू,
इन जंगल, ठीक है। चलिए ये भी तैयार हो गया, मैं आपको सब एक साथ दिखा दूंगा। अब मैं यहाँ पे एक डाल देता हूँ, हमारा स्मॉल चाइल्ड है, स्मॉल बेबी बॉय प्लेइंग प्लेइंग विथ लायन इन जंगल कॉमिक स्टाइल, ठीक है। चलिए इसको भी जनरेट कर लेते हैं, फिर नीचे चलते क्या क्या जनरेट हुआ है अभी देखते हैं। ये स्क्विरल आ गया, ये मंकी आ गया, ठीक है, फॉक्स आ गया, अब ये आ गया हमारा स्मॉल बॉय प्लेइंग विथ लायन, ठीक है। ये देखिए, देख सकते हैं आप यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। लाफ्टर फील्ड आफ्टरनून, यहाँ पे डाल देते हैं जायंट ओक ट्री, जायंट ओक ट्री, ठीक है, जेनरेट। और लास्ट में क्या है, ऑल्स विजडम एंड फॉक्स, फॉक्स को फिर से हम यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं ऑल्स विजडम सोइंग ऑल एनिमल्स इन जंगल, ठीक है, ये डाल देता हूँ मैं। और इसके साथ साथ हमारा क्या है, स्मॉल बॉय हैप्पी विथ लायन एंड टाइगर, ठीक है। तो ये हमारा सारा इमेज मैंने जनरेट कर लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आ गया ओक ट्री। अभी भी हमारे पास 93 टोकन बचा है, तो मैं इसको अगर इनलार्ज करना चाहूँ तो इनलार्ज कर सकता हूँ। चलिए यहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं, पहले मैं सबको देख लेता हूँ एक बार, किसको इनलार्ज करना है मुझे, इसको इनलार्ज करना है वन, इसको इनलार्ज करना है टू, इसको इनलार्ज करना है थ्री, इसको इनलार्ज करना है फोर, इसको इनलार्ज करना है फाइव, मुझे इसको इनलार्ज करना है सिक्स, और जो लास्ट था उसको मैंने इनलार्ज कर लिया है। चलिए और मैं लोड कर लेता हूँ, ये मैंने इनलार्ज किया था, तो इसको मैं डाउनलोड करूँगा, ठीक है, इसको करूँगा डाउनलोड SD, और यहाँ से डाउनलोड, ओके, लोड हो रहा है, सेव एज, और यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना देता हूँ चाइल्ड स्टोरी, ठीक है, सेव वन। चलिए वापस चला जाता हूँ, अब देखिए इसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड, और हमें किसको करना है, इसको करना है डाउनलोड, जो जो मैं इनलार्ज किया मैं उसको डाउनलोड कर रहा हूँ, ठीक है। हमने अपना इमेज का काम कर लिया है, इसको मैं बंद कर देता हूं, अब ये डाउनलोड हो जाएगा सारा हमारा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इमेज आपका आ रहा है, तो आपने अपने हर एक पेज के लिए इमेज ले लिया, आपने कवर पेज के लिए इमेज ले लिया है, इमेज हो जाएगा, उसके बाद हम स्टोरी बुक बनाएंगे और उसको फिर KDP में किंडल पब्लिश के लिए डालेंगे, वो सारा प्रोसेस बताने वाला हूं, तो एक एक स्टेप को देखते रहें, मिस ना करें, ठीक है। चलिए यहां पे आप देख सकते हैं ये इमेज आ रहा है और ये इमेज भी लोड हो रहा है, तो तीनों को सेव कर लेंगे हम लोग, एक बार लोड हो जाए उसके बाद इसको सेव कर लेते हैं, सेव इमेजेस लास्ट, ठीक है। अब इमेजेस आ गया है, अब हमें कहाँ जाना है, अब हमें जाना है KDP पे, किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग,
जो, चलिए उस पर चलते हैं। ये आपका है KDP, आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं लिख भी देता हूँ kdp.amazon.com। यहाँ पे आप बहुत आसानी से अपना लॉगिन बना लेंगे, वहाँ पे जाएंगे अपना अकाउंट क्रिएट करके, वहाँ पे आप अपना अकाउंट का नंबर दे देंगे और टैक्स वेरिफिकेशन कर में आप देंगे नन US सिटीजन, बस वहाँ पे फिल करते रहेंगे और वो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप यहाँ पे आ चुके हैं। बट इसके पहले हमें क्या करना है, इसके पहले हमें अपना बुक तैयार करना है। तो उसके लिए आप कहाँ जाएंगे, उसके लिए आप जाएंगे कैनवा पे। कैनवा पे जाएंगे, चलिए मैं कैनवा पे चला जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या सर्च करेंगे, चलिए मैं आपको पूरा स्टेप बता देता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे आप आके सर्च करेंगे स्टोरी बुक, ठीक है। ये देखिए स्टोरी बुक क्विट्स आ गया है। यहाँ पे आप कोई भी फ्री टेम्पलेट ले सकते हैं। अब जैसे ये टेम्पलेट हमारा, ये फ्री नहीं है, चलिए मैं फ्री में यहाँ पे कर देता हूँ, फिल्टर में फ्री कर देता हूँ। ओके, आप नीचे जाके फ्री कर सकते हैं, अप्लाई। तो यहाँ पे जो फ्री टेम्पलेट्स है वो आपको मिल जाते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं, चलिए इसको ले लेता हूँ, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट करूँगा। यहाँ पे हमारा सबसे पहले मैं इमेजेस को अपलोड कर देता हूँ, अपलोड फाइल्स। हमारे पास इमेजेस जितने भी हैं सारा मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। अब हमें क्या चाहिए, ये जो बैकग्राउंड है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि हमारा खुद का इमेजेस तैयार है। ठीक है, तो बैकग्राउंड में हमें क्या डालना है, हमें पता है ये जो है ये बैकग्राउंड हमें डालना है, ये रहा हमारा बैकग्राउंड। और हमारा कहानी कौन सा है, ये देखिए यहाँ पे हम कहानी देख लेते हैं। टोबी टाइगर नेम वाइज लियो लिव साइड बाय देयर वाज अ फ्रेंड टुगेदर। मैक्स, मैक्स है बच्चे का नाम, तो हम स्टोरी का नाम क्या देते हैं, चलिए यहाँ पे देंगे मैक्स जंगल, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे दूंगा एडवेंचर। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर दूं, ऊपर माई है, इसका कलर आप चेंज कर देंगे ताकि ये दिखे, तो आप यहाँ से कलर चूज कर सकते हैं येलो। चलिए मैं येलो कलर दे के देखता हूँ, येलो दिख रहा है, ठीक है। और आप इस पे इफ़ेक्ट्स डालेंगे, अब जैसे ये है तो यहाँ पे आप ब्लैक दे सकते हैं ताकि ज़्यादा विजिबल हो इसको आप। ये देखिए मैक्स, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, मैं नीचे ले आऊँगा थोड़ा ताकि पोस्टर विजिबल हो। ठीक है, मैक्स जंगल एडवेंचर को भी मैं डिलीट कर दूंगा, मैक्स को नीचे ले आऊँगा, ठीक है, ताकि आप जो विजिबिलिटी है वो ज़्यादा हो, लोग इसको समझ पाएँ क्या है। और यहाँ पे दूंगा एडवेंचर, इसको मैं इनलार्ज कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमारा मैक्स को यहाँ पे आप डाल सकते हैं, या यहीं पे रहने दें। ओके, अब रिटेन बाय यहाँ पे लिखा है, आपको नहीं दिख रहा होगा बट मुझे दिख रहा है, मैं इसको वाइट करके देखता हूँ। रिटेन बाय, आप अपना कुछ भी नाम रख सकते हैं, रिटेन बाय जेसन शाह, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा इनलार्ज कर दूंगा ताकि ये विजिबल हो जाए, ये देखिए। इसको भी मैं यहाँ पे डाल के और इफेक्ट्स में जाऊंगा, इसको मैं, ये देखिए, ठीक है, रिटेन बाय, और इसको भी इनलार्ज कर देता हूँ। तो आपका कवर पेज तैयार हो चुका है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बहुत आसानी से। इसको आप अलग कलर देना चाहें तो आप कुछ और भी कलर दे सकते हैं, जैसे रेड है,
ये देखिए रिटन बाय जेसन शाह, ठीक है आपका तैयार हो गया कवर पेज। अब आपको 10 पेज और ऐड करना है, ऐड पेज करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा क्या आएगा, चलिए मैं डिज़ाइन में देख लेता हूँ एक बार। डिज़ाइन नहीं, यहाँ पे आप सबसे पहले हमारा क्या था, यहाँ से हम स्टोरी ले लेंगे चैप्टर वन, चैप्टर वन यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ से आप इसको कंट्रोल करेंगे फॉन्ट को, ठीक है ये रहा चैप्टर वन, और इसके साथ साथ हमारा इमेज है, ठीक है इमेज हमारा कौन सा है आप इसी को डाल सकते हैं, ये इमेज यहाँ पे आप इसको छोटा करके डाल दें, ठीक है। इसी तरह आपको चैप्टर टू डालना है तो आप इसको डिलीट करें, आप जो ऊपर आपने किया उसी को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आप चैप्टर टू डाल देंगे, चैप्टर टू रोरिंग रेस्क्यू, ठीक है। इसमें हमारा क्या था, चलिए यहाँ पे चैप्टर टू आ जाएगा, ठीक है इसको आप और नीचे करना चाहें तो नीचे कर सकते हैं, यहाँ पे आप इमेज चेंज कर सकते हैं, आप ये इमेज डाल सकते हैं यहाँ पे, इसको आप कॉपी कर लें, ठीक है चैप्टर थ्री। इसी तरह आप पूरा चैप्टर क्रिएट कर लें, मैं क्रिएट करके आपको लास्ट में दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारा चैप्टर डाल दिया है, ठीक है यहाँ पे आपका बुक चैप्टर वन चैप्टर टू चैप्टर थ्री चैप्टर फोर चैप्टर फाइव, आप इसको जितना सजाना चाहें आप सजा सकते हैं, इसका आप एडिट कर सकते हैं पूरी तरह से, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको क्या करूँगा, मैं PDF लूँगा, ठीक है डाउनलोड PDF स्टैंडर्ड डाउनलोड मैक्स जंगल एडवेंचर करके मैं इसको सेव करूँगा, ठीक है मैक्स जंगल एडवेंचर। अब हमें इसका ये जो है इसको भी सेव कर लेना है, पेज वन मैं इसको सेव कर लेता हूँ, चलिए मैं इसको सेव करता हूँ PNG इमेज के हिसाब से, अगर वहाँ पे लगेगा तो इसका कवर पेज, ठीक है डाउनलोड मैक्स जंगल एडवेंचर, ठीक है। तो आपके पास पूरा स्टोरी तैयार है, बुक तैयार है, अब आपको अपलोड करना है इमेजेस के साथ, तो आपने बहुत आसानी से ये काम कर लिया है। अब आप कहाँ जाएंगे, आप जाएंगे KDP पे, मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ पे आप चलिए हम करेंगे क्रिएट, तो इसको देखते हैं क्रिएट किंडल ई बुक पेपरबैक। आपको क्या करना है, तो मैं मेक अ टाइटल अवेलेबल इन प्रिंट एंड सिप अराउंड द वर्ल्ड बाइंड योर बुक, तो मुझे पेपर बैक ही चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं सीरीज बनाना चाहें तो सीरीज भी बना सकते हैं, पब्लिश डिजिटली टू किंडल एंड अदर हैंड, तो मैं किंडल के लिए ही करता हूँ क्रिएट ई बुक, ठीक है इंग्लिश है, बुक टाइटल क्या है मैक्स जंगल एडवेंचर, ओके सब टाइटल ऑप्शनल है तो छोड़ देते हैं, सीरीज नहीं है, एडिशन नंबर ऑप्शनल है, प्राइमरी ऑथर जेसन शाह, ठीक है ऑथर जेसन शाह, ठीक है डिस्क्रिप्शन
चलिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में यहाँ से ले लेता हूँ, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसी को मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। द अनएक्सपेक्टेड इनकाउंटर, ओके। आई ओन द राइट, चिल्ड्रेन 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 ई बुक, चिल्ड्रेन स्टोरी अबाउट जंगल एंड लायन, स्मॉल बॉय फाइटिंग, ये कीवर्ड्स है FI, फाइटिंग फॉर सर्वाइवल इन जंगल। अब देखिए आप अमेज़न पे जाके amazon.com, चलिए मैं amazon.com पे चला जाता हूँ, वहाँ पे आप जाके सर्च करेंगे चिल्ड्रेन स्टोरी बुक्स एडवेंचर। ये देखिए चिल्ड्रेन स्टोरी बुक एडवेंचर, चिल्ड्रेन स्टोरी बुक कलेक्शन, तो ये सब भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, चिल्ड्रेन स्टोरी बुक एडवेंचर, चिल्ड्रेन स्टोरी बुक कलेक्शन, ठीक है। और क्या कीवर्ड आ रहा है, चिल्ड्रेन स्टोरी बुक पिक्चर्स, वो भी आप डाल सकते हैं, चिल्ड्रेन स्टोरी बुक विथ पिक्चर्स, ठीक है। और भी कीवर्ड आप वहाँ से सर्च करके डाल लें। कैटेगरीज में सेट करेंगे, सेट कैटेगरी, लेट्स सी, जुवेनाइल नॉन फंक्शन जनरल एक्टिविटी बुक एडवेंचर एंड एडवेंचरस, ठीक है। सेव, चूज द यंगेस्ट एंड ओल्डेस्ट एजेस, मैक्सिमम 8, मिनिमम 17, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आई एम रिलीज, सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे अपलोड ई बुक मैन्यूस्क्रिप्ट, तो हमारे पास PDF है, कंटिन्यू विद PDF, ये अपलोड हो रहा है आपका बुक, अपलोड हो चुका है। लॉन्च कवर क्रिएटर, अपलोड कवर JPG एंड TIFF, तो मैं JPG में यहाँ पे सेव नहीं कर पाया था, मैं JPG सेव कर लेता हूँ, मैंने PNG किया था, ठीक है। तो यहाँ से डाउनलोड करेंगे JPG, डाउनलोड, मैक्स जंगल एडवेंचर, ओके। यहाँ से आप जाएंगे अपलोड कवर फाइल, ये देखिए सेव सक्सेसफुली, आपका सेव हो चुका है। अब यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू, कन्वर्टिंग योर फाइल्स टू किंडल फॉर्मेट, ये देखिए आप डन हो चुका है। अब यहाँ पे प्राइसिंग आ जाएगा, ऑल टेरिटरीज, ठीक है, ये देखिए सारे जगह ये सेल होगा, ऑल कंट्री में। आपको कितना चाहिए, सेलेक्ट योर रॉयल्टी प्लान एंड सेट योर किंडल, तो मुझे 70% चाहिए। आप यहाँ पे प्राइस देंगे, कितना प्राइस का आपका बुक होगा, 2.99 मिनिमम होना चाहिए, तो मैं 2.99 ही दूंगा, ठीक है। ये देखिए आपको कितना मिलेगा, 1.05, 1.96, उस हिसाब से सारे मार्केट में आपको इतना, अगर इंडिया में बिकता है तो आपको 73 रुपया इसके लिए मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा प्राइस सेट हो चुका है, और यहाँ से आप करेंगे पब्लिश योर किंडल ई बुक, डन। आपका जो बुक है ये देखिए पब्लिश हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, स्टार्ट योर पेपर बैक नाउ, अब आप पेपर बैक करना चाहें तो पब्लिश एज पेपर बैक नाउ कर देंगे, ठीक है। और ये पेपर बैक में आपसे पूरा डिटेल्स फिर उसी तरह से लेगा, और आप उसको पेपर बैक में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका बुक पब्लिश हो चुका है। चलिए मैं फिर से आपको बैक ले चलता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका बुक पब्लिश हो चुका है, और ये इन रिव्यू है, ठीक है। योर टाइटल हैज बीन सबमिटेड पब्लिश 72 आवर्स, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, योर टाइटल हैज बीन सबमिटेड फॉर पब्लिशिंग एंड इन कंटिन्यू रिव्यू, दिस टाइटल आर टिपिकली रिव्यूड एंड पब्लिश विद इन 72 आवर्स। तो मैंने आपको पूरा एक बता दिया है कि कैसे आपको ई बुक, जी हाँ ई बुक किंडल पे, फिर पेपर बैग भी आप उसी तरह से
पब्लिश कर सकते हैं और यहां से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। कीवर्ड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, जो कीवर्ड मैंने डाला है वो अमेज़न से आप सर्च करके कीवर्ड डालेंगे और इस तरह से आप कोई भी नोबल स्टोरी जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं एआई के थ्रू, इमेजेस एआई के थ्रू, और आपका पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया। यहां से अर्निंग स्टार्ट करें, मिस ना करें, एक एक प्रोसेस को फॉलो करें और अर्निंग स्टार्ट करें। तो आई होप कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा और इसको इंप्लीमेंट करेंगे। और अगर आप घर बैठे अर्निंग करना चाहते हैं तो हमारा 3 डे का एफिलिएट मार्केटिंग वर्कशॉप, जी हाँ, एफिलिएट मार्केटिंग वर्कशॉप है जो कि आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। यहाँ पे आप आएंगे, इस फॉर्म को फिल करेंगे, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, गेट इंस्टेंट एक्सेस, ये डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आपके ईमेल पे 3 डे का वर्कशॉप आ जाएगा। वहाँ से स्टार्ट करें, सीखे एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में और वहाँ से मनी अर्न करें। और बिल्कुल उसी तरह हमारा 5 डे का डिजिटल मार्केटिंग वर्कशॉप है। डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही हॉट केक है, आने वाला समय डिजिटल मार्केटिंग का ही होगा। ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, यहाँ पे भी फॉर्म फिल करेंगे, गेट इंस्टेंट एक्सेस, आपके ईमेल पे 5 डे का डिजिटल मार्केटिंग वर्कशॉप आ जाएगा। देखें, स्टार्ट करें डिजिटल मार्केटिंग, जाने जॉब के लिए, अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए या फिर वहां से ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस ना करें। और जैसे मैंने पहले बताया था, 2D एनिमेशन का हमारा वर्कशॉप है, उसको भी आप कर सकते हैं। 3 घंटे का लाइव वर्कशॉप होता है, 23 तारीख को है, 4 बजे, इनरोल करें, मिस ना करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है सबका। तो चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ आज के वीडियो को विराम देता हूं। आप जरूर वर्कशॉप ज्वाइन करेंगे, इस वीडियो से भी अर्निंग स्टार्ट करेंगे, तो बने रहे हमारे साथ इसी तरह नए नए तरीके सीखने के लिए। मिलता हूं कल एक नए वीडियो के साथ जिसमें आपको सिखाऊंगा ऑनलाइन अर्निंग कैसे करनी है अलग अलग तरीकों से। तो कल तक लिए अपना ख्याल रखें, वंदे मातरम, धन्यवाद, बाय बाय।